गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अब तक जितनी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड करी हैं उसके अंदर हमने नेशनल इनकम बाय ऑल थ्री मेथड्स वी हैव कंप्लीटेड, वेदर इट एज वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, वी हैव डन इट। और आप लोगों ने भी कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ इट माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू इट राइट। क्योंकि अब हम क्या करेंगे, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, यूजली जो CBSE के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, मैं आपको वो बता दूंगा कि किस हिसाब से किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ सारे तो नहीं बता सकता वीडियो में, बट उस जैसे जैसे भी होते हैं वो बता दूंगा आपको, और मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड, क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो कंप्लीट करना। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CBSE में जो आए हुए हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं कि कैसे कंप्यूट किए हैं। इसके अंदर तीनों मेथड के थ्रू आ सकते हैं, वेदर इट इज़ इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो और आपको फॉर्मूले और सब कुछ पता भी लग गया होगा, और ये भी हो गया होगा कि इनकम मेथड की एब्रीवेशन में क्या लिखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इट इज़ अपीयर्ड इन योर स्क्रीन, आपकी आ रही होगी स्क्रीन पे, तो आप उसको पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर लो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। आपको क्या निकालना है, GNP@MP, तो ग्रॉस नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 64, संदीप घर में है नहीं है तो वैसे मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, रोज आपको मिलते होंगे, जो मैं वीडियो में पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चंस भी देता हूँ, और आपको जो वैसे उसके रेलेवेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको अलग से देता हूँ बेटा, बस आप जस्ट बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट इन योर वर्क। तो देखिए इसके अंदर आपको रेंट गिवेन है, ओके, प्रॉफिट गिवेन है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन गिवेन है बाई एम्प्लॉयर, मिक्स इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो देखो COE गिवन है, मिक्स इनकम गिवन है, और हम ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंड किया हमने कि इसको इनकम मेथड से करना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं अब आपको सेव कर लेना, मतलब स्क्रीनशॉट ले लेना, क्वेश्चन हटा रहा हूं। देखो अब मैं आंसर प्रोवाइड करते हैं, हम करना क्या है, देखिए इनकम मेथड क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 64। इनकम मेथड आपको पता है किस चीज पे निकलता है, इनकम मेथड, इनकम मेथड से हमारा कंप्यूट होता है क्या, NDP@FC कंप्यूट होगा बेटा, ठीक है, NDP@FC कंप्यूट होगा इनकम मेथड से। और इनकम मेथड अब मैं लिख रहा हूँ NDP@FC, रिप्लेस कर रहा हूँ NDP@FC। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं बेटा, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम, इसके ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले निकालते हैं COE। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाई एम्प्लॉयज। देखो हमें पता है COE का ये पार्ट तो होता ही होता है, बट मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि सबसे पहले ये देखो कि आपको एंटायर COE गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर आपका जो पॉइंट लिखा हुआ है बेटा, 8th पॉइंट के अंदर आपको लिखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि आपको एंटायर वैल्यू ऑफ COE गिवन है, कितनी गिवन है बेटा, 500। तो आप सीधा लिखिए 500। अब इसके अंदर वेजेस गिवन हो अलग से या कोई भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन गिवन हो, हम उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसका सब एलिमेंट नहीं लेंगे, एंटायर वैल्यू ऑफ COE गिवन है। ऐसे ही आ जाओ ऑपरेटिंग सरप्लस पे। अब तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या क्या आइटम गिवन है, रेंट गिवन है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रेंट के अंदर डायरेक्टली रेंट होता है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट गिवन है आपको कितना, 200 बेटा, 200 प्रॉफिट लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट के बाद आपको गिवन है रॉयल्टी गिवन है, लिखिए 20 रॉयल्टी। उसके बाद आपको इंटरेस्ट गिवन है 110। इसके अंदर आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो आपका प्रॉफिट लिखा है इसको हम अलग से भी लिख के दे सकते थे कि प्रॉफिट को अलग से नहीं दे दिया डिविडेंड सपोज, तो उस केस के अंदर आपको डिविडेंड अलग से नहीं लेना क्योंकि आपको एंटायर वैल्यू ऑफ प्रॉफिट गिवन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप इसको टोटल कीजिए कितना आएगा, 200 प्लस 300, 300 प्लस 100 430 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये चीज आ गई, मिक्स इनकम, देखिए मिक्स इनकम है क्या कहीं पे, मिक्स इनकम गिवन है बेटा आपको, मिक्स इनकम फोर्थ पॉइंट पे गिवन है ₹600 करोड़, ठीक है। अब आपको क्या करना है, निकाल लीजिए NDP@FC इज इक्वल टू सारी वैल्यू को प्लॉट कर देना, COE कितना आया था 500, मिक्स इनकम कितना आया था 430, और सॉरी ऑपरेटिंग सरप्लस 430 और मिक्स इनकम कितना आया था 600। तो आपका NDP@FC देखिए कितना आएगा, NDP@FC कितना आया बेटा आपके पास, ये आएगा आपके पास 1530 करोड़, यानी कि 1530।
तो आपका ये बेटा ये आंसर आ गया कितना, इतना। बट आप क्वेश्चन में चेक करोगे तो उनमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था आपको, जी एन पी एट एम पी, तो ये फाइंड आउट करना है आपको। तो कन्वर्जन काम कीजिए बेटा, कन्वर्जन करना है आपको, कहां जाना है, जी एन पी एट एम पी पे जाना है आपको। और अभी आप हो कहां पे, हम हैं एन डी पी एट एफ सी। देखो एन से जी पे जाना है तो क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन, डी से एन पे जाना है तो प्लस एन एफ आई ए, उसके बाद आपको क्या करना है, फैक्टर कॉस्ट से आपको एमपी पे जाना है तो प्लस एन आई टी, ठीक है। तो देखो इसमें वैल्यू प्लॉट करते हैं, एन डी पी एट एफ सी की तो वैल्यू निकाल रखी थी, डेप्रिसिएशन की वैल्यू आप कंप्यूट देखिए कि क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन है क्या। देखो मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कहीं पे भी डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, कोई अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज लुक, दे हैव गिवन एट द फिफ्थ पॉइंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये आपको पता है कि एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज दे रखी है नाइन्थ पॉइंट पे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 120। देखो डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दोनों में सेम है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, जो भी डिफरेंस होता है वो हमें डेप्रिसिएशन होता है, ये हमें बहुत पहले से ही पता है कि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। सो द पॉइंट इज, आज आपको डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना होगा, यहां पे लिख सकते हो आप कि डेप्रिसिएशन को देखो कैसे, वर्किंग नोट लिखना, वर्किंग नोट इज इक्वल टू कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, दिस इज अ प्रॉपर वे ऑफ डूइंग द थिंग्स, कि आप वर्किंग नोट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन को कैसे कैलकुलेट किया हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है आपके पास 140, उसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 120, तो आपका कितना डेप्रिसिएशन आ गया, डेप्रिसिएशन इज 20 करोड़। तो अब यहां पे प्लॉट कर दीजिए 20 करोड़ वैल्यू। अब आप देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -10, तो लिख दीजिए -10। प्लस एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बट इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्टली एनआईटी गिवन है तो सीधा लिख दीजिए एनआईटी। अब आप इसको कंप्यूट कीजिए बेटा, कंप्यूट करने के तो आपका आंसर आएगा कितना, रुपीज 1690 करोड़, यानी कि 1690 रुपीज करोड़ आपका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन समझ में आया, हमने ऐसे किया, ठीक है। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 68। बेटा मैं ना थोड़ा स्किप करा के करा रहा हूँ ताकि कंप्लीट तो पूरा करा नहीं सकता वीडियो के अंदर, बट हाँ जो जो रेलेवेंस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो कवर अप कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2015 सेट 3 में आया था ऑल इंडिया में, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, स्क्रीन पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर है 66, तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। ये आपने, मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो क्वेश्चन को हटाते हैं, आंसर लिखते हैं, इसका सॉल्व करने लगते हैं। देखिए व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर है 68, हमें कैलकुलेट करना है एन डी पी एट एम पी, तो एन डी पी एट एम पी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपने रेलेवेंस इन्फॉर्मेशन देखोगे तो इसके अंदर जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसके पार्ट सब गिवन है, तो आपको एक्सपेंडिचर जो मेथड होता है आपका, एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है वो बेटा किस चीज पे निकलता है, इस चीज को ध्यान रखना, जी डी पी एट एम पी पे निकलता है। तो नाउ आई एम रिप्लेसिंग दिस एक्सपेंडिचर बाय जी डी पी एट एम पी, तो लिखिए जी डी पी एट एम पी का फॉर्मूला लिख दीजिए पहले पूरा, क्या क्या फॉर्मूला आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो ये चीज थी, तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है बेटा, एज इट इज वैल्यू गिवन है प्राइवेट की 400 लिख दीजिए, 400 प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है 900 गिवन है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है क्या कहीं, बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो गिवन नहीं है आपको, बट हाँ कि इसके अंदर आपकी जो वैल्यू है वो चीज गिवन है कि इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं उसके अंदर हम, तो जब भी अगर आपको ऐसे गिवन होता है तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक कर देते हैं, आज वही करना है आपको। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू है 80, और उसके बाद आपको क्या करना है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है बेटा आपको 10, उसके बाद आपका नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स
माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स कितने बेटा आपके पास 15। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिए तो आपको जी डी पी एट एम पी की जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आएगी, तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 575 करोड़ रुपीज, इतना। बट क्या हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाता है क्या? क्या हमारा सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या निकाला है, जीडीपी पे टेम्पी। बट क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? क्वेश्चन इज डिमांडिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी। तो लिखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, कन्वर्ट कर लीजिए बेटा आप किसको, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। आप अभी हो कहां पे, जीडीए पे टेम्पी। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक इज कॉमन, एम कॉमन है सब कुछ, ठीक है। तो आप लिखिए 575 माइनस व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन इन द क्वेश्चन इज रुपीज 25 बाय कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का आपका आंसर आ रहा है 550 करोड़। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया ना बेटा समझ में कैसे किया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 66 था, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, उसी के नीचे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 68। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं फिर से क्वेश्चन नंबर 68, हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ यू क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, जिसमें लिखा है यू नीड टू कैलकुलेट एन वी ए एट एफ सी, नेट वैल्यू एडेड एट एफ सी आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो जी वी ए कहाँ से निकालते थे आपको याद होगा, तो वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमने इनिशियल वीडियोज जब स्टार्ट किया था ये प्रोसेस जो किया था, तो इनिशियल वीडियोज में मैंने आपको वैल्यू एडेड दो तीन दिन यही सिखाया था। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन होगा आपका, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कंपार्टमेंट का 2015, ठीक है। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके एक बार सेव कर लीजिए, उसको अच्छी तरह देख लो। अब हम क्वेश्चन आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68, यू नीड टू कैलकुलेट एन वी ए एट एफ सी, ठीक है। हमें ये पता है कि जो वैल्यू एडेड जो मेथड होता है, जो वैल्यू एडेड जो मेथड होता है बेटा, वो किस चीज पे कंप्यूट होता है, जी वी ए एट एम पी। तो नाउ आई विल राइट जी वी ए रादर देन वैल्यू एडेड, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, लिखेंगे वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आई सी इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक का होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये बहुत ही अच्छे से आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स गिवन है क्या, बिल्कुल बेटा सेल्स की वैल्यू गिवन है आपको। कितनी गिवन है सेल्स की वैल्यू, 300, लिख दीजिए 300 प्लस चेंज इन स्टॉक गिवन है क्या कहीं पे बेटा, चेंजिंग स्टॉक तो हाँ चेंज इन स्टॉक गिवन है आपको कितना, 20। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक चीज इसके अंदर, कि आपको चेंजिंग स्टॉक की वैल्यू भी दे रखी है और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। जब आपको चेंजिंग स्टॉक की वैल्यू दे रखी है तो इसके सब एलिमेंट को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है। इज इट क्लियर? ऐसी गलती मत कर देना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आती है आपकी रुपीज 320 करोड़। जब 320 करोड़ वैल्यू आ गई है आपको, अब आपको आईसी की वैल्यू है क्या आपके पास, देखिए इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको आईसी की वैल्यू दे रखी है पूरी, एंटायर आईसी गिवन। तो इसके अंदर कोई इंपोर्ट परचेज करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत देखना, आपको आंसर ही गिवन है। बस फॉर्मूला प्लॉट करो, तो जी डी जी वी ए एट जी जी वी पी एट एम पी आपका आंसर क्या आ जाएगा, 320 माइनस 120 इज इक्वल टू 200 आएगा। कितना आएगा बेटा, 200 करोड़। ये क्या निकला आपका, जीडीपी एट एमपी। क्या क्वेश्चन हमसे जीडीपी एट एमपी की डिमांड कर रहा है, रिक्वायरमेंट ये चीज कर रहा है क्या, हमें क्या निकालना है, हमें तो बेटा ये निकालना है ना। तो क्या चाहिए आपको, एनवीएट एफसी निकालना है। तो लिखिए आपको क्या चाहिए, एनवीएट एफसी, बट आप हो कहां पे, जीवीएट एमपी। जी से एन पे जाना माइनस डेप्रिसिएशन कर देना, वीवी इज कॉमन, मार्केट प्राइस से आपको एफसी पे जाना है, तो मार्केट प्राइस से एफसी यानी कि छोटे पे जाना है, तो एनआईटी माइनस कर देना। हमने जीवी की वैल्यू कितनी निकाली थी, 200 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, यस डेप्रिसिएशन इज गिवन रुपीज 30 करोड़। एनआईटी गिवन है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस एनआईटी गिवन इज 15। तो बेटा इसको माइनस कर दोगे कितना आंसर आएगा, 45। तो 200 माइनस 45, 40 माइनस करोगे 60, 155। तो योर आंसर इज 155 करोड़। व्हाट इज दिस,
दिस इज व्हाट वी हैव कंप्यूटेड एन वी ए एट एफ सी. क्वेश्चन इज सॉल्व. है ना बेटा इजी. व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट यू हैव टू कीप द फॉर्मूलाज इन योर माइंड एंड प्लॉट इट. और अगर आपको कोई भी सब वैल्यू देखो, जैसे एनआईटी गिवन था, इसका फॉर्मूला होता बेटा आईटी माइनस सब्सिडी. तो आईटी माइनस सब्सिडी, अगर आपको अकेला सब्सिडी गिवन है और एनआईटी की वैल्यू गिवन है, तो आपको सिर्फ एनआईटी ही चाहिए, सब्सिडी को भूल जाइए उसके अंदर, क्योंकि आपको ओवरऑल वैल्यू गिवन है, उसमें सब पार्ट्स को आपको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. आप दो बार ऐड कर दोगे उस चीज को. इज इट क्लियर. देखिए इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. एक क्वेश्चन है, इट इज वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71. देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पॉज कर लीजिए. इस क्वेश्चन को मैं एक बार वर्बली बता रहा हूं, आपको करके नहीं बता रहा. देखिए करना क्या, आपको जीवी एट एफ सी निकालना है. आपको क्या गिवन है, जीवी ए एट एफ सी हमारा वैल्यू एडिट से निकलता है, जीवी एट एम पी, तो एम पी से कन्वर्जन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं. आपको गिवन है डोमेस्टिक सेल्स. ओ पॉज हो जाइए और दिमाग में सोचिए, डोमेस्टिक सेल्स. डोमेस्टिक सेल्स होती क्या है? अरे यार, कंट्री के अंदर ही तो सेल्स करी है, क्या बाहर कंट्री के बाहर सेल्स नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर कोई भी आइटम अगर हम कंट्री के बाहर बेचते हैं, इफ एनी आइटम ऑफ गुड एंड सर्विसेज वी हैव प्रोवाइड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ आर कंट्री, दैट कम्स अप अंडर द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स. तो उसके अंदर आपको एक्सपोर्ट्स अलग से प्लस करने पड़ेंगे. तो डोमेस्टिक सेल 3000 करोड़, एक्सपोर्ट्स कितने आ जाएंगे 500. तो दिस इज व्हाट यू हैव बिकम टोटल सेल्स. तो टोटल सेल्स आ जाएगी 3000 प्लस 500 इज 3500. उसके बाद चेंज इन स्टॉक गिवन है आपको माइनस 100, तो 3400 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. माइनस आईसी कर देना बेटा, आईसी की वैल्यू कितना है आपके पास 2000. तो 3400 माइनस 2000 कितना आ जाएगा 1400 इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके निकलता है, जीवी एट एमपी. आपको क्या चाहिए, जीवी एट एफसी. तो माइनस कर देना एनआईटी. एनआईटी कितना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है क्या, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन आपको कितना 250, यानी कि 250. कहीं सब्सिडी गिवन है तो जीरो. तो 1400 माइनस 250, योर आंसर विल बी 1150. बेटा खुद करने की कोशिश करना, मैंने वल्वरी बता दिया आपको, इतना टाइम नहीं वीडियो में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 75. क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 75 आपको क्या कंप्यूट करना है बेटा, इसके अंदर एन डी पी एट एफ सी. एन डी पी एट एफ सी आपको कंप्यूट करनी है. देखो क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये क्वेश्चन आपको है एन डी पी एट एफ सी, क्वेश्चन नंबर 75. एन डी पी एट एफ सी, इसमें प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गिवन है, उसके बाद ग्रॉस सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फिर नेक्स्ट पेज पे गिवन है क्वेश्चन बाकी रिमेनिंग. तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, सबसे नीचे वाले इनका, ठीक है. तो उसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आप इस क्वेश्चन का फर्दर जो है ऊपर वाला ये स्क्रीनशॉट लो, ठीक है. हालांकि मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बारे में आप सोचना मत कि क्वेश्चन कैसे आएंगे. आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू यू पीपल, ठीक है. तो ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लिया है अब आपने, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 75 लिखिए. क्वेश्चन नंबर 75, इसमें कंप्यूट क्या करना है बेटा आपको, इसमें कंप्यूट करना है एन डी पी एट एफ सी. एन डी पी एट एफ सी बेटा, एन डी पी एट एफ सी को ही तो किस पे इनकम मेथड कंप्यूट करते हैं, इनकम मेथड कंप्यूट करते हैं इस पे. और इसी को क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक इनकम. क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं इसको हम. इज इट क्लियर टू एवरीवन. चलिए जब हमने क्वेश्चन किया तो इसके अंदर इनकम मेथड तो ठीक है, बट आपको इसके अंदर जो पॉइंट्स गिवन है वो एक्सपेंडिचर मेथड के गिवन है. तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंडिचर मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम. एक्सपेंडिचर मेथड किस पे कंप्यूट होता है बेटा, एक्सपेंडिचर मेथड किस पे कंप्यूट होता है आप बताइए, जी डी पी एट एम पी पे कंप्यूट होता है. तो आई एम रिप्लेसिंग दिस एक्सपेंडिचर मेथड बाय राइटिंग जी डी पी एट एम पी. जी डी पी एट एम पी का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. बेटा ये चार एलिमेंट्स होते हैं. अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, आपको बड़े आसानी से गिवन है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना गिवन है. फर्स्ट पॉइंट पे गिवन है बेटा रुपीज 8000 करोड़. उसके बाद आपको दूसरे ही पॉइंट पे गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर रुपीज 1000 करोड़. उसके बाद आपको गिवन है, हम ये वाला पॉइंट निकाल रहे हैं बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. देखिए ये बिल्कुल आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है गिवन है. ग्रॉस डोमेस्टिक
फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि फिक्स आ गया तो आपको क्या प्लस करना पड़ेगा, चेंज इन स्टॉक, कर दीजिए चेंज इन स्टॉक भी प्लस। तो देखिए इसकी वैल्यू आपको 500 दे रखी है, प्लस चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, बट आपको चेंज इन स्टॉक गिवन है एट द पॉइंट ऑफ 7th, तो कितना है 100, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 600। उसके बाद आपको क्या चाहिए, नेट एक्सपोर्ट्स, फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, बेटा एक्सपोर्ट्स को एक्स लिखते हैं इकोनॉमिक्स में, तो देखिए एक्सपोर्ट्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है 70, इंपोर्ट्स की वैल्यू है 120, योर आंसर विल बी माइनस 50, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, वैल्यू प्लॉट कर दीजिए, ठीक है, कैसे, फॉर्मूले में ये जो लिखा था, तो जी डी पी एट एम पी इज 8000 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस करना था, बट हमारे पास नेगेटिव माइनस 50 है, तो ये, तो आपके पास जी डी पी एट एम पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, जब आप ऐसे कंप्यूट करोगे जी डी पी एट एम पी, ये आपके पास आ जाएगी जी डी पी एट एम पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी करोड़ रुपीज 9550 करोड़। क्या क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करना था, अरे बेटा क्वेश्चन हमें डिमांड क्या कर रहा है, एन डी पी एट एफ सी फाइंड आउट करने की, तो कन्वर्जन प्लेस कर दीजिए, ठीक है, एन डी पी एट एफ सी कंप्यूट करना है आपको, आप हो कहां पे, जी डी पी एट एम पी पे हो, माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एन आई टी, ठीक है, तो वैल्यू प्लॉट कीजिए इसकी, देखो 9550 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है, डेप्रिसिएशन वैल्यू है आपके पास कितनी, देखिए क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगा आपको डेप्रिसिएशन वैल्यू है 60। उसके बाद आपका एन आई टी का फॉर्मूला क्या होता है, आई टी, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, आई टी माइनस सब्सिडी, तो आई टी गिवेन है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवेन है, कितनी 700। उसके बाद सब्सिडी गिवेन है क्या आपको, सब्सिडी गिवेन है कितना 50, तो लिख दीजिए 50। इतना आया समझ में, जब आप इसको कंप्यूट करोगे, जब आप इसको कंप्यूट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा एन डी पी एट एफ सी की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो आएगी 8840 रुपीज करोड़ भी लिखना बेटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, इतना समझ में आया बेटा, रिमेनिंग कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं, मैं आपको अभी एक और वीडियो बना के भेजूंगा सीबीएसई क्वेश्चंस की, आप उसको करना और उसको पढ़ने की कोशिश करना, और एंड रेस्ट मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उनके सॉल्यूशन खुद करना, और इफ़ एनी क्वेरी देन डू लेट मी नो, थैंक यू क्लास।